वेलकम तो बच्चों का, टेस्ट 22 का तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न और इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि तीन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मास है एम एम और थ्री एम तो ये मास मान लीजिए इसका मास एम इसका मास थ्री एम और आपसे कहा कि हमने इन तीनों को ऊष्मीय संबंध स्थापित किया है मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है और इनके जो तापमान है वो है 40 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान दिया गया 50 डिग्री सेल्सियस और तीसरे का तापमान दिया गया साठ डिग्री सेल्सियस तो अब आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अंतिम तापमान क्या होगा क्योंकि हमको पता है कि अंतिम तापमान यहाँ पर सैम होगा क्योंकि ऊष्मीय संबंध यहाँ पर स्थापित हो चुका है तो मान लीजिए कि ये ऊष्मा देगा और ये दोनों ऊष्मा लेंगे तो दो सबका अंतिम तापमान यहां पर सेम होगा तो ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं एम एस डेल्टा टी ऑब्जेक्ट वन के लिए दूसरे के लिए भी एम एस डेल्टा टी ऑब्जेक्ट टू के लिए और जिसने ऊष्मा दी है उसके लिए भी मास कितना है बच्चों को थ्री एम एस डेल्टा टी ये है ऑब्जेक्ट थ्री के लिए ठीक है बच्चों अब क्योंकि आपको यहां पर कहा गया है कि तीनों के पदार्थ समान है इसका मतलब तीनों की विशिष्ट ऊष्माएं समान होगी तो एस यहां पर कैंसल आउट एम 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 कैंसल आउट तो यहां पर आपको प्राप्त होगा डेल्टा टी यानी टी माइनस चालीस प्लस टी माइनस पचास बराबर तीन और ये आएगा बच्चों साठ माइनस टी ठीक है और जब आप लोग इस समीकरण को हल करोगे तो आपको यहां पर का मान प्राप्त हो जाएगा इट मीन नाउ कैलकुलेशन इज देर यू विल गेट योर आंसर विच विल बी 54 डिग्री सेल्सियस ओके बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है बच्चों सेकंड और यहां पर आपसे कहा गया है कि विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या होगी तो बच्चों ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा की इकाई होती है जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस सेकंड ऑप्शन विल so, बी राइट आंसर right तीसरा प्रश्न तीसरे प्रश्न में आपसे कहा गया कि तीन द्रव है जिनके वहां है एम वन एम टू और एम थ्री यदि इनको आपस के अंदर मिक्स किया जाए तो मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा विशिष्ट ऊष्माए और इनके तापक्रम दिए गए जाहिर सी बात है कि ऊष्मा का लेन देन होगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे करेंगे देखते हैं एम वन सी वन डेल्टा टी वन प्लस एम टू सी टू डेल्टा टी टू बराबर एम थ्री सी थ्री डेल्टा टी थ्री मान लिया हमने कि तीसरा वाला जो द्रव्य है वो ऊष्मा दे रहा है और बाकी दोनों जो है ऊष्मा ले रहे हैं तो हमें यहां से प्राप्त होगा एम वन सी वन डेल्टा टी का वन टी माइनस T1 आ जाएगा प्लस एम टू सी टू डेल्टा टी का मान T माइनस टी टू प्राप्त होगा और एम थ्री सी थ्री यहाँ पर आपको तापमान का डिफरेंस प्राप्त होगा T3 थ्री माइनस टी क्योंकि हम लोग इसका तापमान ज्यादा मानकर चल रहे हैं सबसे ज्यादा ओके okay? तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर T का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा ओके इट मीस नाउ सम कैलकुलेशन इज देयर सो इसको सॉल्व करने पर आपको जो प्राप्त होगा वो होगा बच्चों एम वन सी वन टी वन इसको भी यहाँ ले गए तो ये प्राप्त होगा एम टू सी टू टी टू और प्लस एम थ्री सी थ्री टी थ्री और ये टी वाला पार्ट जो यहाँ पर आएगा ये कॉमन आएगा और आपको यहाँ पर प्राप्त होगा एम वन सी वन प्लस एम टू सी टू प्लस एम थ्री सी थ्री तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है एम वन वन टी वन प्लस एम टू सी टू ओके एम वन सी टू सेकेंड ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है सो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर तीसरा प्रश्न जो है इसके अंदर आपसे कहा गया है सो डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक ग्राम भाप जो है उसको जीरो डिग्री सेल्सियस पर उपस्थित कितनी बर्फ की मात्रा को वो पिघला सकती है ठीक है बच्चों जाहिर सी बात है कि अंतिम तापमान सेम होगा इट मीन्स क्योंकि हमको यहाँ पर बर्फ को मेल्ट करवाना है तो हीट जो दे दे रहा है वो कौन है आ, वो है भाप और उसके बाद जल मतलब भाप जो है वो पहले जल के अंदर चेंज होगा और उसके बाद जल जो है वो अपनी ऊष्मा देगा किसको देगा बर्फ को तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर Q का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं एम एल प्लस एम एस डेल्टा टी सेल मतलब यहाँ पर जो वाष्प है वो चेंज हो, होगी पानी के अंदर M का वैल्यू कितना दिया बच्चों वास्प चेंतना पांच सौ चालीस प्लस एम अब यहाँ पर यह जल बन चुका है M का वैल्यू वन S का वैल्यू विशिष्ट ऊष्मा जल की एक होती है और तापमान का चेंज होगा सो माइनस जीरो क्योंकि इस जल को पहुंचना होगा जीरो डिग्री सेल्सियस तापमान तक तो यहां से आपको टोटल हीट मिल रही है 540 प्लस सो यानी 640 कैलोरी तो अब आप लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं कि कितनी बर्फ पिघलेगी Q बराबर एम से ठीक है बच्चों तो m का वैल्यू आपको प्राप्त होगा Q अपॉन एम सॉरी Q अपॉन एल यानी 640 सौ चालीस अपॉन एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80 बर्फ के लिए ठीक है, तो यहां से प्राप्त होगा एट ग्राम ओके सो फ्रॉम यू कैन सी एट ग्राम विल बी राइट आंसर उसके बाद आता है बच्चों पांचवा प्रश्न और इसमें आपसे कहा गया है इसमें आपसे कहा गया है कि पांच किलोग्राम जल के तापमान को ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर इसके क्वतनांग तक अगर ले जाया जाए तो उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा का मान क्या होगा Q बराबर एम एस डेल्टा टी का हम लोग यूज कर सकते हैं m का वैल्यू है बच्चों पाँच किलोग्राम s का वैल्यू है वन डेल्टा टी तापमान का चेंज बीस से क्वतनांग सौ डिग्री सेल्सियस इसका मतलब चेंज हुआ बच्चों अस्सी का तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा बच्चों ओके और ये मान जो आ रहा है ये होगा बच्चों कैलोरी में होगा ये होगा आपका किलो कैलोरी में तो आपको यहां पर विशिष्ट ऊष्मा का मान दिया गया है ओके बच्चों यहां पर आपको एस का वैल्यू वन नहीं लेना है आपको यहाँ पर एस का वैल्यू दिया गया है किलो जूल में ओके सो यू हैव टू पुट हियर फोर पॉइंट टू किलो ओके तो एम का वैल्यू एम एस में ले लिया एस का वैल्यू भी और डेल्टा टी का वैल्यू भी तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा कैलकुलेशन इज देयर आपको प्राप्त होगा बच्चों 1680 सो अस्सी किलो जूल आई होप यू कैन सी सीयर कि यहां से आएगा लगभग 20 पॉइंट समथिंग आएगा और ये आएगा 80 तो यहां पर मल्टीप्लाई करने पर अप्रोक्सीमेटली आपको ये आंसर मिल जाएगा ओके सो फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ओके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और यह हमारा अगला प्रश्न छठा प्रश्न और इसमें आपसे कहा गया है आदर्श गैस के लिए पीवी ग्राफ आपको दिया गया है अब आप अब आपको इसका टीवी ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना है तो पीवी ग्राफ यहां पर दाब नियत जा रहा है फिर आयतन हो रहा है नियत तो टीवी ग्राफ के लिए हम लोग बात करें तो टीवी ग्राफ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पी वी बराबर होता है एनआर टी तो अगर नियत रहे तो वी T यानी मूल बिंदु से पास होती हुई एक रेखा आपको प्राप्त होगी और क्योंकि यहाँ पर आयतन बढ़ रहा है तो तीर ऊपर की ओर जाएगा उसके बाद क्या हो रहा है आयतन नियत आयतन नियत तो ये तीर प्राप्त होगा इट मीन लगभग कुछ ऐसा ही ग्राफ आपको प्राप्त होगा देख लेते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ओके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और यह हमारा सातवां प्रश्न और इसमें आपसे कहा गया है इसमें आपसे कहा गया है कि किसी वस्तु के तापमान को एक केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है ये होती हो है बच्चों ऊष्मा धारिता विशिष्ट ऊष्मा इसको नहीं कहा जाता विशिष्ट ऊष्मा होती है एकांक एक द्रव्यमान के लिए ओके तो यहां पर द्रव्यमान की कोई बात नहीं की गई है इसलिए ऑप्शन टू विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर आठवां सवाल और इसके अंदर आपसे कहा गया है Uh, यदि इस तापमान के इतने जल को इस तापमान के इतने जल के साथ अगर मिक्स किया जाए तो मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा ओके okay बच्चों तो ऊष्मा का यहाँ पर होगा लेन देन कोई ऊष्मा लेगा तो दूसरा वाला ऊष्मा देगा तो हमने कहा कि ये वाला पार्ट जो है ये ऊष्मा ले रहा है तो आपको प्राप्त होगा एम एस डेल्टा टी वन द्रव एक के लिए और एम एस डेल्टा टी ये आएगा सेकंड वाले के लिए एम का वैल्यू ओके okay. तो यहां पर आपको वॉल्यूम दिया गया है डेंसिटी जो है वो सेम होगी तो हम लोग इसको सीधे 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 वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ओके okay. तो ये आएगा वी टू एस टू डेल्टा टी टू ठीक है बच्चों एस वन एस टू का वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि दोनों ही जल हैं वी वन का वैल्यू कितना जीरो पॉइंट वन और तापमान इसका अस्सी माइनस टी अंतिम तापमान T मान लिया हमने ठीक है V2 कितना दिया हुआ है पॉइंट थ्री और टी की बात करें तो ये आएगा T माइनस साठ ठीक है बच्चों तो जब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अंततः आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा देख लेते हैं एक बार ये आएगा अस्सी माइनस टी और ये प्राप्त होगा बच्चों आपको थ्री टी माइनस वन आ जाएगा ये ठीक है तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा फोर्टी फोर्टी बराबर अठारह छब्बीस दो सौ सात तो टीका मान आपको यहां पर प्राप्त हुआ चौबीस और पैसठ डिग्री सेल्सियस ओके सो फ्रॉम ओकेर वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ओके ओके बच्चों अब है हमारा नवा प्रश्न और यहां पर आपसे कहा गया कि एक ब्लॉक है और इसका मास आपको दिया गया है 100 ग्राम और आपसे कहा गया है कि यदि इसकी चाल 100 से पांच मीटर पर सेकंड हो जाती है खुरदरे सैतीस सतह पर तो इस प्रक्रम के अंदर ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होगा ज़ाहिर सी बात है कि जो गतिज ऊर्जा कम हुई है वही ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में चेंज होगी तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हैं डेल्टा क्यू बराबर हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज रख के कैलकुलेट करें तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा वी टू स्क्वायर या आएगा बच्चों ओके ओके हम लोग यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चों ओके okay, तो सो माइनस पच्चीस मैं यहां पर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं माइनस प्लस का साइन नहीं ले रहा हूं ओके okay, तो यहां से आपको प्राप्त होगा बच्चों आएगा से तीन पॉइंट सात पांच जूल प्राप्त होगा बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दसवा प्रश्न है और इसके अंदर आपसे कहा गया है एक वस्तु की अगर उष्मा धारिता का मान हो 80 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस तो इसका जल तुल्यांक क्या होगा ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए बच्चों की दारिता और का मैग्नीट्यूड सेम होता है अगर जल ग्राम में सब भी आ रहे हैं तो इसका मात्रक भी आपको पता होना चाहिए कि यह ग्राम में होगा तब जाके दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा ओके सो थर्ड ऑप्शन विल भी राइट आंसर अगले सवाल की बात कर लेते हैं ग्यारहवा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि एक पात्र के अंदर 110 ग्राम जल है पात्र की ऊष्मा धारिता का मान है 10 ग्राम जल के तुल्य पात्र का प्रारंभिक तापमान है ओके ठीक है बच्चों तो बच्चों हमको बताया कि अगर ऊष्मा धारिता का पात्र की ऊष्मा धारिता आपको दी गई हो तो उतना ही जल दिए गए जल के अंदर आप लोग मिक्स कर दीजिए और फिर उस पात्र को आप भूल जाइए डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो बच्चों यहाँ पर ऊष्मा लेगा ये वाला जल टोटल जल ठीक है ना और ऊष्मा देगा ये वाला जल तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि एम एस डेल्टा टी वन बराबर एम एस डेल्टा टी सेकंड वाले के लिए ओके तो एम का वैल्यू कितना दिया हुआ एक सौ दस तो ये दस वो यानी एक सौ बीस एस का वैल्यू वही वन डेल्टा टी डेल्टा टी हमने कहा टी माइनस दस आ जाएगा एम एम का वैल्यू कितना दिया हुआ दो सौ बीस ग्राम एस का वैल्यू वन डेल्टा टी इसका तापमान कितना था सत्तर सत्तर माइनस टी ठीक है बच्चों तो इसको सॉल्व करने पर हमको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी तो कैलकुलेशन इज़ देयर आई होप यू कैन सॉल्व इट योर ठीक है ग्यारहवा प्रश्न तो इसके अंदर आज जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर फोर्टी डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा ओके okay बच्चों अब इसके बाद बढ़ते हैं बारहवें प्रश्न की ओर और, और बारहवा प्रश्न है आ, ओके 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 यहाँ पर है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट टेम्परेचर सेल्सियस और उसका वेट दिया उसकी हाइट दी गई है ओके okay, ओके okay. तो इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरे तो वो कितनी बर्फ को पिघला देगा देखिए बच्चों टकराते टाइम पे इसका तापमान क्या है जीरो डिग्री सेल्सियस इसका अर्थ कि हम लोग कह सकते हैं कि केवल इसकी स्थिति ऊर्जा इसकी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बदलेगी जिसके कारण बर्फ पिघलेगी तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कह सकते हैं कि एम जी एच बराबर क्यू प्राप्त होगा और इसको हम लोग एम एल के बराबर रख सकते हैं कि कितनी आइस यहाँ पर मेल्ट होगी ओके बच्चों, एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है तीन पॉइंट पाँच जी का वैल्यू यहाँ पर ले लो दस ठीक है और एच हाइट कितनी है बच्चों दो हजार मीटर और यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है एम आइस हमें चाहिए एल का वैल्यू ओके एल का वैल्यू आपको यहाँ पर जूल में ही दिया गया या यूं कहें जूल पर के में ही दिया गया तो एम आइस का वैल्यू आप लोग यहाँ से बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं एल का वैल्यू तीन पॉइंट पाँच इंटू दस की घात पाँच कर देंगे ओके सो आई होप कि अब आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं तीन पॉइंट पाँच से तीन पॉइंट पाँच यहाँ पर कैंसिल हो रहा है और ये आ रहा है बच्चों दस की बात चार आ जाएगा यहाँ से ठीक है तो टू यानी टू किलोग्राम प्राप्त होगा बच्चों एम आइस का वैल्यू तो ये होता है बच्चों दो सौ ग्राम ओके सो फ्रॉम ईयर दैट सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और, और ये हमारा तेरवा सवाल और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसके अंदर आपसे कहा गया है कि एक तार है और उस तार को जब हमने गर्म किया तो उसकी लंबाई बढ़ने से रोकने के लिए हमको कितना प्रतिबल लगाना पड़ेगा ओके तो बच्चों इस यहाँ पर आएगा वाई होता है एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल दैट वी नो ओके तो यहाँ से हमें एफ अपॉन ए चाहिए तो एफ अपॉन ए का वैल्यू आपको प्राप्त होगा वाई डेल्टा एल अपॉन एल और डेल्टा एल अपॉन एल ये आपको पता है ये होता है एल्फा डेल्टा टी तो मैं इसका वैल्यू वाई एल्फा डेल्टा टी अब आप लोग यहाँ पर वाई अल्फा डेल्टा टी इन सब का वैल्यू आपको दिया गया है वाई का वैल्यू यही अल्फा का वैल्यू है ही ओके डेल्टा टी यानी तापमान का चेंज वृद्धि सो है तो इन सब का वैल्यू रख के जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको प्राप्त होगा बच्चों लगभग दो पॉइंट दो गुना दस की घात आठ पास कर ओके तो ये होगा आपका आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर फोर्टीन क्वेश्चन और, और यहाँ पर आपसे कहा गया है इसमें आपसे कहा गया है कि गैस द्वारा प्रक्रम ए बी सी डी में किया गया कार्य बताइए तो बच्चों पर हो प्लस में। तो टोटल का जो प्लस का है उसमें से माइनस वाला वर्गन हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा तो ये है बच्चों टू वी नॉट और ये है टू पी नॉट तो टू वी नॉट टू पी नॉट यानी फोर पी नॉट वी नॉट ये तो प्राप्त हुआ है हमें पॉजिटिव वर्ग और इसमें से नेगेटिव वर्क ये ये आ रहा है वी नॉट और ये डिफरेंस आ रहा है पी नॉट यानी पी नॉट वी नॉट को माइनस करना पड़ेगा सो थ्री पी नॉट वी नॉट आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की और पंद्रहवा सवाल और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसमें आपसे कहा गया है कि 100 ग्राम द्रव्यमान और 100 डिग्री सेल्सियस वाले एक द्रव को एक ओके 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 ये वाला प्रश्न जो है ये थोड़ा सा हमारे टाइम लेगा तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा आ, एक द्रव में दूसरा द्रव हम लोग यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं तो देखते हैं पहले हम लोग इस वाले पार्ट को एक बार सवाल कर लेते हैं ठीक, ठीक है द्रव ए जो है उसका मास है सो विशिष्ट ऊष्मा नहीं दी गई है एम एस डेल्टा टी का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अंतिम तापमान है नब्बे तो सो माइनस नब्बे मतलब ये डेल्टा टी प्राप्त हुआ है दस अब बात करते हैं द्रव बी के लिए आ, एम का वैल्यू कितना दिया इसका पचास विशिष्ट ऊष्मा एस बी मान लीजिए नहीं दी हुई है और तापमान का चेंज कितना हुआ नब्बे माइनस पिचहत्तर यानी पंद्रह ओके तो यहाँ से हमें एस और एस बी के बीच रिलेशन मिल जाएगा बच्चों ओके तो यहाँ से आपको प्राप्त हुआ दो और ये आएगा बीस ये पंद्रह आ रहा है तो यहाँ से एस ए का वैल्यू प्राप्त होगा तीन बटे चार तीन बटे ठीक है अब देखो बच्चों उसके बाद क्या किया 100 ग्राम द्रव्यमान और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले ए को 50 ग्राम द्रव्यमान और 50 डिग्री सेल्सियस वाले द्रव बी के साथ मिक्स किया गया तो मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा तो अब हमने यहाँ पर लिया 100 ग्राम एस ए और 100 डिग्री सेल्सियस अंतिम तापमान टी मान, मान लीजिए और यहाँ का मास पचास बी का मास ओके okay? और एस बी और यहाँ का तापमान का डिफरेंस t माइनस पचास ओके बच्चों और यहां पर आपको s a का वैल्यू प्राप्त हो चुका है तीन बटा चार एस बी तो यहां पर हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये हुआ दो बार कैंसिल और s a को लिख दीजिए तीन बटा चार एस बी ये प्राप्त होगा सो माइनस टी ओके और यहां पर एस बी आ जाएगा और ये टी माइनस पचास ठीक है तो यहां पर एस बी से एस बी कैंसल हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर आपको अंततया आंसर प्राप्त हो जाएगा ये आएगा बच्चों तीन बटे दो ओके तो कैलकुलेशन करके आप लोग यहाँ आंसर तक पहुँच सकते हो देखते हैं तीन सौ माइनस थ्री टी आ जाएगा ये तीन सौ माइनस थ्री टी आ जाएगा और ये प्राप्त होगा टू टी माइनस हंड्रेड टू टी माइनस वन हंड्रेड ओके तो ये प्राप्त होगा चार सौ और ये प्राप्त होगा फाइव टी तो यहाँ से पाँच टी का मान प्राप्त हुआ है अस्सी डिग्री

और अगर हम लोग इसके अंदर डेल्टा टी यानी समय का भाग दे दें तो यहाँ पर नियत दर से ऊष्मा दी जा रही है नियत रहेगा मास सबका सहम है तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐस क्या है यहाँ पर प्रवणता सॉरी ऐसे यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा और डेल्टा टी अपॉन टी ये है बच्चों इस ग्राफ की प्रवणता तो प्रवणता इंटू विशिष्ट ऊष्मा ये प्राप्त होगा आपको कांस्टेंट ओके okay, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जिसके लिए प्रवणता का मान कम होगा उसके लिए विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होगी प्रवणता सबसे कम किसके लिए सी के लिए तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होगी तो थर्ड ऑप्शन प्रवणता कम है ना इसकी ठीक है विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होगी तो विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होगी सी की ओके okay? थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर सत्रहवें प्रश्न की बात कर लेते हैं और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान दिया गया है मेन मेल सिक्सटी ग्राम ऑफ आइस बाई चुविंग इन सिक्सटी मिनट इस पावर विल भी ओके पावर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो Q बराबर एम का हमें यूज करना है क्योंकि यहां पर अवस्था का चेंज हुआ है अपॉन टी और कर देंगे ताकि हमको यहां पर पावर मिल जाए ये हो गए बच्चों पावर और एम M, uh, M का वैल्यू 60 ग्राम ओके okay. तो 60 हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं किलोग्राम के अंदर एल का वैल्यू 80 कैलोरी में है तो इसको चेंज कर लेते हैं 4.2 से जूल के अंदर और ये है ग्राम ग्राम में है तो इसको भी हम लोग के के अंदर चेंज कर लेते हैं ओके और टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है सिक्सटी सेकेंड एक मिनट मतलब सिक्सटी सेकेंड हो गया ठीक है तो यहाँ पर साठ से साठ कैंसिल हो गया 1000 से 1000 कैंसिल हो गया पॉइंट से ज़ीरो हट गया तो ये आ रहा बच्चों थ्री थ्री सिक्स वॉट ओके सो फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और, और यह अठारह प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसके अंदर आपसे कहा गया है कि आदर्श गैस के ताप दाब और आयतन दिए गए हैं यदि इनके अणु का द्रव्यमान स्मॉल एम हो तो उसका तो उस गैस का घनत्व कितना होगा ठीक है बच्चों तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा टी बराबर क्या होता है बच्चों एन आर टी एन को हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास मोलर मास मोलर मास की बात करें तो हमको पता है कि मोलर मास मतलब एक मोल अणुओं का द्रव्यमान तो अगर हमें ये प्राप्त करना है तो हम लोग क्या कहें आ, एक मोल अणु कितने होते हैं एने और एक अणु का मास दिया गया है एम तो ये हो गया हमारा मोलर मास ये हो गया आर टी और आर अपॉन एने क्या होता है बच्चों के बी होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एम के बी टी अपॉन एम ठीक है यहाँ तक अब हमें चाहिए घनत्व मास अपॉन वॉल्यूम तो मास अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम को यहां बाकी सबको इधर ले आओ तो आपको यहाँ से प्राप्त होगा घनत्व ओके पी एम अपॉन के बी टी पी एम अपॉन के बी टी और ये मास अपॉन वॉल्यूम हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं डेंसिटी आ चुकी है तो पी एम अपॉन के बी टी से दैट फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और, और ये हमारा उन्नीसवा प्रश्न और इसमें आपसे कहा गया है कि एक समान तापमान पर दो पात्रों के अंदर ओके ओके गैस ए और गैस बी है गैस ए का दाब बी से डबल है दशाओं के अंतर्गत ए का घनत्व बी के घनत्व से 1.5 गुना है तो उनके अनुबारों का अनुपात ज्ञात करो ओके okay, बच्चों हम लोग इसको पिछले वाले प्रश्न की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं ओके okay? uh, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एकदम फ्रेशली सॉल्व करके बता देता हूँ ये आएगा बच्चों मास अपॉन मोदर मास आ जाएगा ये आ जाएगा आर आ जाएगा ठीक है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं समान तापमान पर आदर्श गैस हुई ठीक है ये प्राप्त होगा बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम यानी डेंसिटी आ जाएगा ओके okay, तो so, डेंसिटी अपॉन एम नॉट ये आ जाएगा आर टी अब देखो बच्चों यहां पर कौन कौन सी बातें तो सेम है समान तापमान है आर का वैल्यू भी कॉन्सेंट रहेगा ओके okay? तो अनुबारों का अनुपात ज्ञात करना है, तो एम नोट आपको यहां पर प्राप्त हुआ है रो अपॉन पी ओके सो एम वन अपॉन एम टू इसको लिख सकते हैं रो वन अपॉन पी वन और रो टू अपॉन पी टू अब देखते हैं रो वन अपॉन रो टू ए वन है मतलब एक ए की बात कर रहे हो, टू मतलब बी की बात कर रहे हैं तो आपसे यहाँ पर कहा कि ए का घनत्व बी से 1.5 गुना है ठीक है तो इसको कर दो 1.5 गुना और और क्या कहा है गैस ए का दाब बी के दाब से दो गुना है मतलब p1 upon p2 का वैल्यू 2 आएगा तो इसको लिखा 2. हटाया तो ये आ गया 3 4 m1 upon m2 ओके 3 4 आपको प्राप्त होगा सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और ये हमारा बीसवा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसमें आपसे कहा गया है कि दाब और दो लीटर नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना होगा बच्चों इस प्रश्न को सॉल्व करने की एक ट्रिक है उस ट्रिक का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा वर्णा इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी चला जाएगा बच्चों पीवी क्या होता है एनआरटी ठीक है तापमान फिक्स है तापमान फिक्स है तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि एन समानुपाती होगा पीवी के तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एन वन अपॉन एन टू बराबर यह आएगा पी वन वी वन अपॉन पी टू वी टू ओके अब देखो बच्चों एन टी पी के ऊपर एक मोल गैस का आयतन होता है बाईस पॉइंट चार लीटर उस वाले फैक्टर उस वाले फैक्टर का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो एन वन यानी वन मोल एन टू देखते हैं अभी पी वन दन ए टी एम और वी वन होता है बाईस पॉइंट चार लीटर ये बात हम लोग जानते हैं अब बात करते हैं जो सिचुएशन दी गई है उसकी p2 p2 का वैल्यू है 22.4 atm ठीक है और v2 आयतन का मान है दो लीटर ठीक है ओके तो यहां पर 22.4 से ये हो गया कैंसिल तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि n2 का वैल्यू प्राप्त हुआ है दो मोल और दो मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना 28 का डबल यानी 56 ग्राम ओके सो फ्रॉम ईयर थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी इक्कीस प्रश्न की ओर और, और इसमें आपसे कहा गया है कि एक गैस किसी बंद पात्र के ढाई सौ कैलविन ताप पर रखी हुई है यदि गैस का तावर एक कैलविन से बढ़ा दिया जाए तो इसके दाब में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी ओके किसी बंद पात्र में बंद पात्र में मतलब इसका आयतन आ, फिक्स रहेगा ठीक है आयतन फिक्स है तो पी प्रोपोर्शनल टू तो टी तो पी वन अपॉन पी बराबर क्या आएगा टी वन अपॉन टू ओके okay? तो अब देख, अब देखो बच्चों, दाब में प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत का प्रश्न है, तो हम लोग इसको P1 को बढ़ा दिया वन आ जाएगा ओके okay? तो यहां से आपको पी टू का वैल्यू इसको कैलकुलेट करने पर आपको पी टू का वैल्यू बच्चों जीरो हंड्रेड पॉइंट फोर पी प्राप्त होगा ओके okay? कैलकुलेशन इज़ देयर आप लोग इसको करके प्राप्त कर सकते हो तो चेंज कितना हुआ बच्चों हंड्रेड पॉइंट फोर में से ये गया यानी जीरो पॉइंट फोर परसेंट ओके सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर 22वां प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसमें आपसे कहा गया है कि एक जार के अंदर पीवीटी कोई okay, so, इस पर कोई गैस है और दूसरे जार के अंदर 2pb/2t पर अन्य गैस है जार ए और बी के अंदर गैस अणुओं की संख्या का अनुपात बताना ओके okay बच्चों तो n क्या होता है pv अपॉन nrt तो rt यहाँ पर आ जाएगा तो हमें जाहिर सी बात है कि n1 अपॉन n2 का वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पर पहले वाले का दाब ताप दिया गया है दूसरे वाले का दाब दिया गया है 2p आयतन कितना दिया गया है v/4 और r ताप ताप दिया गया टू टी ओके okay, बच्चों तो यहां पर टू से टू कैंसिल हो रहा है पी वी आर टी कैंसिल हो रहा है वन बाई फोर फोर पहुँच जाएगा ऊपर इट मीन्स फोर इज टू वन ये प्राप्त होगा आपको ओके सो फ्रॉम ईयर वी कैंसिल दैट फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर तेईसवा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसके अंदर आपसे कहा गया है कि दो ताप अवरुद्ध पात्र है, ए और बी इनके अंदर वायु है और इनके तापमान आयतन और दाब दिए गए इन पात्रों को जोड़ने पर साम्य अवस्था में पात्र में ताप कितना होगा तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न आपको हल करने हैं तो इसके अंदर एक ही कंसर्ट आप लोग यूज कीजिए कि टोटल आंतरिक ऊर्जा चेंज नहीं होगी आंतरिक ऊर्जा में एक एक आ, सिस्टम का चेंज हो सकता है लेकिन टोटल सिस्टम में आंतरिक ऊर्जा का चेंज नहीं होगा तो हमने यूज किया एन सी वी डेल्टा टी फॉर फर्स्ट पात्र और एन सी वी डेल्टा टी फॉर सेकंड पात्र ओके okay? और दोनों में ही क्या है वाई यू है तो सी वी तो यहाँ पर सेम रहेगा ठीक है ये आएगा एन वन ये आएगा एन टू ठीक है तो साम्य अवस्था में पात्र में तापमान कितना होगा ओके तो ये आ गया बच्चों एन वन और तापमान में चेंज मान लीजिए पहले के तापमान में हुआ चेंज t1 t ठीक है दूसरे के लिए यह यहाँ पर आएगा n2 तो इसका तापमान में चेंज जाहिर सी बात है ये आएगा t t2 क्यों क्योंकि एक का तापमान अगर घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा इसलिए हम लोग इस फॉर्म के अंदर इसको लिख सकते हैं अब यहाँ पर जब आप लोग n1 और n2 के वैल्यूज यानी p1 v1 rt1 और ये आएगा t1 t p2 v2 आर टी टू ये ये आएगा टी माइनस टी टू ओके तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आर से आर यहाँ पर कैंसिल और सॉल्व करने पर आपको पी वन वी वी वन के साथ टी टू प्राप्त होगा और पी टू वी टू के साथ टी वन प्राप्त होगा ओके okay? और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर आपको यहाँ पर प्राप्त होगा तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देख कर भी बता सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा आंसर मैच कर जाएगा उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न चौबीसवा प्रश्न और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यदि निश्चित तापमान पर ऑक्सीजन की वर्ग माध्य मूल चाल भी है तो अगर ताप को डबल कर दिया जाए और ऑक्सीजन के अणु इसके परमाणुओं में टूट जाए तो इस अवस्था में वर्ग माध्य मूल चाल कितनी होगी हमको बताया कि आर एम एस कितना होता है बच्चों थ्री आर टी अपन एम तो यहाँ से डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ जाएगा क्यों क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया ताप को कर दिया डबल और मास ऑक्सीजन का अणु जो है वो टूट चुका है बराबर पार्ट में मास आधा ओके okay, तो ये दो ऊपर जाएगा तो चार चार का रूट किया तो दो इट मीन डबल वेग हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर पच्चीसवा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है हीलियम अणुओं का हाइड्रोजन अणुओं से वर्ग माध्यमूल पांच बटे सात गुना है यदि हाइड्रोजन का तापमान जीरो हो तो हीलियम का तापमान आपको बताना है ठीक है बच्चों तो वी आर एम एस ये होता है थ्री आर टी बाई एम तो थ्री और आर तो है कॉन्स्टेंट तो हम लोग तापमान और मोलर मास को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं तो बच्चों v हाइड्रोजन या यूं कहें v हीलियम v हीलियम v हाइड्रोजन ये आएगा बच्चों t हीलियम m हीलियम t हाइड्रोजन m हाइड्रोजन ठीक है अब देखो बच्चों v हीलियम जो है वो v s2 से 5/7 गुना है तो 5/7 कर दीजिए इसको और t हीलियम का तापमान ज्ञात करना है हमको तो टी एच ई हमें चाहिए एम एच ईलियम का मास चार हाइड्रोजन का मास दो और हाइड्रोजन का तापमान दिया हुआ है जीरो डिग्री सेल्सियस मतलब दो सौ तिहत्तर कैलविन हो जाएगा ओके दो सौ तिहत्तर कैलविन तो अब आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हो ये आएगा बच्चों पच्चीस बाटे उनचास ओके और दो सौ तिहत्तर यहाँ पर पहुंच जाएगा और ये टू भी आ रहा है बच्चों यहाँ पर टू और आएगा तो यहाँ से टी एच ई तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो तो पच्चीस इन दो पचास तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर हमको दो के आसपास ही उत्तर प्राप्त होगा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आएगा क्यों क्योंकि पच्चीस इंटू दो पचास आ रहा है नीचे आ रहा है उनचास ओके तो दो सो दो से थोड़ा सा ज्यादा मान यानी जीरो डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज्यादा मान आपको प्राप्त होगा तो यहाँ पर चारों ऑप्शन देख के भी आप लोग कह सकते हो कि जीरो डिग्री सेल्सियस के सबसे पास में कौन है आ, फाइव डिग्री सेल्सियस और आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो ये आपको प्राप्त होगा बच्चों दो के आसपास ओके सो डिफरेंस हुआ दो सौ अठहत्तर माइनस यानी पांच डिग्री सेल्सियस ओके सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ता है अगले प्रश्न की ओर और, और ये है हमारे छब्बीसवा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है निश्चित क्षमता ओके okay, आयतन फिक्स कर दिया कि सिलेंडर के अंदर एस टी वी पर हीम के दो मोल है सिलेंडर में गैस का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी ओके okay. तो यहाँ पर हमें तापमान में चेंज करना है तो ऊष्मा की मात्रा हमें चाहिए तो क्या करें आ, 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 आयतन क्या है फिक्स दिया हुआ है इटमीन्स हम लोग यहाँ पर एन सी वी डेल्टा टी का यूज कर सकते हैं ओके एन कितने मोल दिए हुए हैं दो मोल सी वी हीलियम के लिए सी वी होता है थ्री बाई टू आर और तापमान का चेंज कितना किया बीस ओके okay? तो दो से दो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा ये आएगा थ्री इंटू एट पॉइंट थ्री वन इंटू ट्वेंटी पॉइंट से ये गया ओके okay? तो ये आ रहा है ओके okay बच्चों तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने पर लगभग में प्राप्त होगा ये आएगा सिक्स तो सिक्स थ्री ओके ठीक है ये आएगा एट और ये फोर्टी नाइन ओके ठीक है तो चार सौ अट्ठावे जूल आपको प्राप्त होगा इट इटमीन थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर यानी सत्ताईसवा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि आ, किसी गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटियाँ ऐप और विशिष्ट ऊषमाओं के अनुपात के बीच संबंध क्या होगा तो बच्चों ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि ये है गामा गामा होता है वन प्लस टू अपॉन ऐप आप, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर सत्ताईसवीं के बाद अट्ठाईसवा प्रश्न और इसमें आपसे कहा गया है इसमें आपसे कहा गया है कि एक परमाणु गैस के दस मॉल को दस डिग्री सेल्सियस के ऊपर एक अन्य एक परमाणु गैस के बीस मॉल के साथ मिक्स किया गया तो मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा तो बच्चों हमको बताया कि आंतरिक ऊर्जा में टोटल चेंज नहीं होगा बल्कि केवल वहाँ पर एक्सचेंज होगा तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं आ, एन सी वी डेल्टा टी फर्स्ट गैस के लिए यह आएगा एन सी वी डेल्टा टी सेकंड गेस के लिए तो यहाँ से एन वन कितना है दस सी बी एक परमाणविक और ये भी एक परमाणु है तो सी बी यहाँ पर सेम ही आएगा अब बात कर लेते हैं तापमान की तो ये आएगा टी माइनस दस डेल्टा टी ओके और यहाँ पर मॉल कितने लिए बीस ये आएगा बच्चों बीस माइनस टी ठीक है बच्चों तो यहाँ पर जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर प्राप्त हो होगा सोलह डिग्री सेल्सियस ओके okay बच्चों इसके बाद आता है प्रश्न और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि स्वतंत्रता की कोटियां छह तो उस केस के अंदर आपको सी बी और आर के बीच संबंध बताना है तो हमको पता है बच्चों हाफ एफ आर होता है सी बी स्वतंत्रता की कोटियां ये है, यह है मतलब यह आएगा तीन तो तीन आर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा ओके सो फोर्थ ऑप्शन मिल भी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर तीसवा प्रश्न और तीसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि मानक ताप और जाप के ऊपर एक ग्राम हीलियम गैस का तापमान हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ाने के लिए आपसे आवश्यक है ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए ठीक है बच्चों अब देखो हम हमको यहाँ पर सिर्फ तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा चाहिए यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग केवल तापमान बढ़ाने की बात कर रहे हैं इट मीन्स आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो हमें को पता है कि डेल्टा यू होता है एन सी बी डेल्टा टी ये फिक्स है बच्चों कोई सा भी प्रक्रम हो डेल्टा यू का फॉर्मूला हम हमेशा एन सी वी डेल्टा टी ही होगा ओके एंड दिस इज द रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर तो एन का वैल्यू एक ग्राम हीलियम है तो चार ग्राम हीलियम मतलब एक मोल होता है तो एक ग्राम का मतलब एक बटे चार मोल तो एक बटे चार मॉल सी वी का वैल्यू सी वी होता है इसके लिए आ, हाफ एफ फार्टी थ्री

तो ये सिंपल सा है बच्चों वी आर एम एस होता है थ्री आर टी बाई एम ओके तो इसका स्क्वायर अगर हम लोग कर देंगे तो यहां पर आपको प्राप्त होगा वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी ओके सो फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट इट विल विल बी स्ट्रेट लाइन पास फ्रॉम ओरिजिन सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बत्तीसवां प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है आ, निम्न ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम लोग वी वी वन और वी टू के बीच ओके okay? तो हमको बताया कि बच्चों पी वी होता है एनआर तो यहाँ से T अपॉन P की बात करें तो वो आएगा स्लोप तो T अपॉन P प्रपोर्शनल टू V आएगा बच्चों ओके T अपॉन P तो इट मीन्स जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका आयतन भी ज़्यादा होगा तो स्लोप ज़्यादा इसका है तो इसका आयतन भी ज़्यादा होगा तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर तैंतीसवा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसके अंदर आपसे कहा गया है कि एक निकाय को अगर 300 सौ कैलो री दी जाए और जूल कार्य किया जाए तो आंतरिक ऊर्जा में कितना चेंज होगा ठीक है बच्चों तो आंतरिक ऊर्जा का चेंज होता है बच्चों डेल्टा Q माइनस डेल्टा W अब हमको यहाँ पर जूल में आंसर लाना है तो इसको हम लोग पहले तीन सौ इंटू से कर दिया मल्टीप्लाई मतलब ये जूल के अंदर चेंज हो चुका है माइनस सिक्स तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये लगभग बारह के आसपास या उससे थोड़ा सा ज्यादा प्राप्त होगा और माइनस करना है उसमें से छह सौ इटमीन छह सौ के आसपास आंसर प्राप्त होगा जो कि है फर्स्ट ऑप्शन ओके इसके बाद आता है बच्चों चौंतीसवा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसके अंदर आपसे कहा गया है कि नियत दापेर एक आदर्श एक प्रमाणी गैस के एक मोल को वायु मंडलीय दाप के ऊपर जीरो से लेकर सौ डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा रहा है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में चेंज कितना होगा डेल्टा यू चाहिए बच्चों तो सीधा सीधा एन सी बी डेल्टा टी का यूज कर लीजिए एन का वैल्यू कितना लेंगे एक मोल ठीक है सी बी का वैल्यू एक परमाणु थ्री बाई टू आर आ जाएगा और डेल्टा डी का वैल्यू डेल्टा डी का वैल्यू हम लोग देखें तो सो आ रहा है ठीक है तो यहां से आपको डेल्टा यू का वैल्यू मिल रहा है लेकिन यह आपको पता है कि यह होता है बच्चों एन सी बी डेल्टा ठीक है ठीक है ठीक है इससे आंसर आ रहा है ओके ठीक है देखते हैं अप्रोक्सीमेटली एप, मैं इसका अगर कैंसिल करूँ तो इसको चार बार कैंसिल कर सकता हूँ यह आएगा बच्चों बारह के आसपास बारह सौ ओके मतलब आंसर जो है बारह सौ के आसपास प्राप्त होगा क्योंकि मैंने आर को आर आठ पॉइंट तीन जो है इसको लगभग आठ मानकर सॉल्व किया है तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर एग्जैक्टली आप लोग कैलकुलेट करके भी इस आंसर तक पहुँच सकते हैं बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर पैंतीसवा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है पैतीसवें प्रश्न में आपसे कहा गया है आ, एक बर्तन के अंदर फाइव लीटर जीरो गैस जो है वो जीरो आयतन वाले निर्वातित बर्तन से ओके ओके बच्चों निर्वातित बर्तन से यानी ई वैक्यूएटेड वेसल से हमने जोड़ा है तो इसका मतलब यहां पर होगा मुक्त प्रसार यानी फ्री एक्सपेंशन और फ्री एक्सपेंशन के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू का बिल्कुल कर सकते हैं इसका यूज ठीक है तो दाप कितना था पहले जीरो पॉइंट एट आयतन कितना था पांच दाब का मान ज्ञात करना है आयतन अब हो चुका है जो पांच तो वो था तीन यानी आठ हो चुका है सॉल्व करेंगे जीरो पॉइंट एक पांच से किया मल्टीप्लाई तो पीटू का वैल्यू कितना जीरो पॉइंट फाइव ओके सो फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर ओके बच्चों तो ये हमारा अगला प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि ऑक्सीजन के एक मॉल को जो कि जीरो डिग्री सेल्सियस तापमान पर है उसको एक वायु मंडलीय दाब और आयतन कितना है इसका बाईस पॉइंट चार लीटर समदाबीय समतापीय संपीड़न सम द्वारा इसको ग्यारह पॉइंट दो लीटर तक चेंज किया जाता है या ओके और इस प्रक्रिया के अंदर तंत्र द्वारा किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है तो बच्चों को यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि ये है समतापीय संपीड़न सम तो संपीड़न जहां पर होगा वहां पर होगा आयतन कम और आयतन कम मतलब तंत्र द्वारा किया गया कार्य होगा ऋणात्मक और चारों ऑप्शंस में से केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो ऋणात्मक है सो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर आप लोग इसको चाहे तो न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं कैसे होगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर टी V2 V1 से भी आप लोग वर्क का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं N है आपके पास, है, है, है पास तो यहां से आप लोग सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं डायरेक्टली आंसर आएगा नेगेटिव में सो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर अगला सवाल है सैंतीसवा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसमें आपसे कहा गया है कि यदि एक गैस को समताप समतापीय रूप से संपीड़ित किया जाए तो ओके तो तापमान कांस्टेंट कर दिया ओके समतापीय रूप से संपीड़ित किया जाए मतलब डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा बच्चों जीरो होगा तो डेल्टा क्यू बराबर होगा डेल्टा डब्ल्यू ठीक है ओके तो गैस के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाता गलत कार्य होगा ओके okay. गैस द्वारा ऊष्मा मुक्त होती है बिल्कुल गैस द्वारा यहाँ पर ऊष्मा मुक्त होगी क्यों होगी क्योंकि संपीड़ित किया वर्गणन होगा माइनस में वर्गणन माइनस में होगा तो ऊष्मा भी होगी माइनस में मतलब ऊष्मा निकलेगी ओके okay. गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी नहीं डेल्टा यू होगा जीरो ओके सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए दाब में चेंज नहीं होता है हो सकता है चेंज क्योंकि वर्गणन तब भी हो सकता है जब दाब में चेंज हो ओके okay. तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और, और ये हमारा अगला प्रश्न थर्टी एट और इसमें आपसे कहा गया है कि आ, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ ए डाई एटॉमिक गैस गामा का वैल्यू है तो अगर उसका प्रेशर और डेंसिटी हम लोग चेंज करें पी पी डी से पी डैस डी डैच या पी प्राइम और डी प्राइम तक और डी डैच अपॉन डी का वैल्यू है आपके पास तो पी डैच अपॉन पी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो बच्चों हमको पता है कि पी वी की पावर गामा ये होता है कॉन्स्टेंट तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी की पावर गामा मास कॉन्स्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं पी डी की पावर माइनस गामा ओके सो पी वन डी वन बराबर पी टू डी टू की पावर माइनस गामा ओके अब देखो बच्चों आपको यहाँ पर डी टू अपॉन डी का वैल्यू दिया गया है तो हम लोग इसको डी टू अपॉन डी वन की फॉर्म में लिख लेते हैं ये आ रहा है बच्चों पी वी वन अपॉन पी टू दैट इज डी टू अपॉन डी वन ओके की पावर माइनस गामा ओके okay? तो हम लोग इसको उल्टा कर दें अगर तो ये आएगा डी वन अपॉन डी टू की पावर प्लस गामा ओके okay? तो डी वन अपॉन डी टू का वैल्यू वन अपॉन थर्टी टू आ जाएगा और इसकी पावर कितनी गामा गामा का वैल्यू सात बटे पाँच तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये आएगा बच्चों एक बटा एक सौ अट्ठाईस आएगा क्योंकि वन अपॉन फाइव टू आ जाएगा और टू टू की पावर सेवन वन ट्वेंटी एट आ जाएगा और आपको चाहिए पीटो अपॉन पी वन ठीक है तो इसका आप लोग अगर उल्टा कर दें तो पीटो अपॉन पी वन का वैल्यू आएगा वन ट्वेंटी एट सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और, और अगला सवाल जो है उसमें आपसे क्या आ गया है थर्टी नाइन इट इज़ निम्न दो विच ऑफ द टू विल रिक्वायर मोर वर्क ओके निम्न में से कौन से दो प्रक्रमों में किस में किया गया कार्य ज्यादा होगा ओके फर्स्ट में है कि एक गैस को समतापी रूप से संपीडित किया जाए जब तक कि उसका आयतन आधा न हो जाए और दूसरे में रुदोष प्रक्रम से संपीडित किया जाए जब तक कि उसका आयतन आ, आधा न हो जाए तो बच्चों हम लोग इसका ग्राफ एक बार देख लेते हैं पी और वी आयतन था पहले भी उसके बाद हुआ आधा आयतन तो आयतन कर दिया आधा और दूसरे वाले केस में भी आयतन हुआ आधा ओके तो मैं आयतन करना आधा ठीक है तो अब देखो बच्चों जिसका स्लोप यहां पर ज्यादा होगा वो होगा रुदोष्म प्रक्रम तो क्योंकि हमको यहां पर दिख रहा है कि इसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ओके okay? तो ये होगा हमारा प्रोसेस नंबर टू और ये होगा हमारा समतापीय संपीडन यानी प्रोसेस नंबर वन क्यों क्योंकि इसका स्लोप कम है स्लोप का मैग्नीट्यूड कम है ओके okay? तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि किए गए कार्य का परिमाण रुद्रोश्म में ज्यादा होगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा आएगा संतापीय का कम आएगा तो इसका अर्थ है कि रुदोश्म प्रक्रम में किया गया कार्य ज्यादा होगा सेकंड ऑप्शन विल बी राय राइट right आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और, और ये है हमारा चालीसवा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है एक परमाणु गैस के अंदर विधि से कितना गुना प्रसार किया जाए कि इसके वर्ग माध्य मूल चाल जो है वो आधी हो जाए ओके तो बच्चों वी आर एम एस ये होता है थ्री आर टी वाई एम ठीक है तो अगर इसको करना है आधा इसको करना है आधा तो तापमान को करना पड़ेगा बाई फोर जहर सी बात है तो टेम्परेचर को हमें बाई फोर करने के लिए आ, उसका वॉल्यूम कितना चेंज करना पड़ेगा और दोष में विधि से तो बच्चों को पता है कि टी की पावर गां टी वी की पावर गामा माइनस वन ये वी वन और ये टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन इसका यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं टी वन प्रारंभ में तापमान था, था टी टी टू का मान टी बाई फोर वी टू की पावर गामा माइनस वन और वॉल्यूम <coughs> वॉल्यूम स्टार्टिंग में मान लीजिए वी ओके गामा माइनस वन ओके तो यहाँ पर टी से टी कैंसिल हो रहा है और गामा के वैल्यू यहाँ पर परमाणु गैस है बच्चों तो द्वि परमाणु गैस के लिए गामा होता है सात बटे पाँच ओके okay? सात बटे पाँच होता है तो सात बटे पाँच माइनस एक यानी दो बटे पाँच आ जाएगा यहाँ पे और ऐसे ही ये आएगा वन बाई फोर ये आएगा वी टू की पावर दो बटे पाँच ठीक है बच्चों, अब हम लोग अब हम लोग अगर दोनों साइड की पावर पांच बटे दो कर दें, यहां भी कर दें पांच बटे दो यहां भी कर दें पांच बटे दो तो ये वी आ जाएगा सिर्फ और ये आएगा एक बटा चार का पावर फाइव बाई टू यानी टू और टू की पावर फाइव मतलब ये आएगा वन अपॉन थर्टी टू और ये आएगा वी टू ओके सो फ्रॉम ईयर सी की वी का वैल्यू यहाँ पर आएगा थर्टी टू वी ओके इट मीनस आयतन जो है वो बत्तीस गुना हो जाना चाहिए ओके सो सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और, और ये हमारा फोर्टी वन क्वेश्चन और इसके अंदर आपसे कहा गया है रुदोष में प्रजार में आयतन में वृद्धि दाब और ताप के सापेक्ष निम्न में से किस विकल्प के होने होने की संभावना है तो बच्चों हमको पता है पी वी की पावर गामा होता है कि आयतन बढ़ रहा है तो दाब भी ओके okay, दाब कम होगा सॉरी बच्चों आयतन अगर बढ़ेगा तो दाब कम होगा निश्चित रूप से और अगर बात करें तापमान की तो टी वी की पावर गामा माइनस वन ये होता है और गामा का वैल्यू वन से ज्यादा होता है इट मीन ये राशि आएगी पॉजिटिव ओके तो यहां पर भी हम लोग देख पाएंगे कि अगर आयतन बढ़ रहा है तो तापमान भी क्या होगा कम होगा ओके दोनों दोनों ही कम होंगे इट मीनस कमी कमी तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर ओके okay, बच्चों तो ये हमारा बयालीस प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया कि एक मोटर ट्यूब ट्यूब के अंदर हवा है और इसका तापमान दिया हुआ है सत्ताईस डिग्री सेल्सियस मतलब ये हो गया तीन सौ ठीक है और फिर आपसे कहा यदि इसका दावा है एट एट ए टी एम और ट्यूब अचानक से पर फट गई तो हवा का तापमान कितना होगा तो बच्चों जब ट्यूब अचानक से अगर फट रही हो तो उस केस के अंदर वो प्रक्रम होता है रुदोष भा एडियाबेटिक प्रोसेस तो इसका हमको यूज़ करना होगा किसके लिए टेम्परेचर के लिए और प्रेशर uh, के लिए ओके okay, तो पी की पावर वन मा माइनस गावा टी की पावर गामा ये होता है बच्चों कांस्टेंट तो हम लोग पी वन और इसको पी टू की पावर गामा और वन माइनस गामा की फॉर्म में हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी का वैल्यू है बच्चों पहले एट एटमोस्फियरिक और ये आएगा वन माइनस गावा यानी माइनस का आएगा जीरो पॉइंट फाइव बच जाएगा क्योंकि गामा का वैल्यू कितना है वन पॉइंट फाइव टी वन टी वन आएगा तीन सौ केल्विन और इसका वे पावर 1.5 और यहाँ पर P2 हमें 1 <coughs> atm आएगा क्यों क्योंकि ट्यूब के फटने के बाद जो हवा है वो वायुमंडल के संपर्क में होगी इट मीन्स वहाँ का दाब होगा वन ए ओके सो फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट वन की पावर वन माइनस गावा दैट विल बी जीरो पॉइंट फाइव माइनस का और टी टू यहाँ पर हमें टेम्परेचर का वैल्यू फाइंड आउट करना है यह आएगा वन पॉइंट फाइव ठीक है बच्चों तो ये तो हो चुका है वन अब दोनों दोनों साइड में हम लोग पावर वन अपॉन फाइव का डिवाइड कर देते हैं ठीक है ना ताकि यहां पर ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाए और इसका ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाए और ये आएगा डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फाइव ओके सो इट विल बी वन बाई थ्री इट मींस ये आएगा टू की पावर माइनस वन ये आ रहा है तीन सौ और ये आएगा यहां पर टी टू तो जहर से बात है तीन बटे दो यानी डेढ़ सौ यानी एक सौ आपको यहाँ पर प्राप्त होगा टी का वैल्यू ओके so, एक सो एक सौ पचास थर्ड ऑप्शन विल भी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और, और ये हमारा फोर्टी थ्री क्वेश्चन और इसके अंदर आपसे कहा गया है <laughs> गामा का वैल्यू है बच्चों 1.4 वाली गैस के एक मोल को रुदोश्म रूप से संपीड़ित किया जाता है जिससे उसका तापमान सत्ताईस से पैंतीस डिग्री सेल्सियस तक चेंज होता है गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना चेंज होगा ओके okay बच्चों तो हमको बताया कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में चेंज यानी एन सी वी डेल्टा टी का यूज करना है ओके okay. एन का वैल्यू है हमारे पास uh, है मोल ठीक है सी का वैल्यू सी का वैल्यू है गा का वैल्यू है बच्चों वन पॉइंट फोर इट मीन्स ये गैस कौन सी है वन पॉइंट फोर मतलब सात बटे पांच इट मीन्स ये है द्वि यानी डाई एटॉमिक गैस और इसके लिए होता है सीवी का वैल्यू फाइव बाई टू आर ओके तो ये आएगा फाइव बाई टू आर डेल्टा टी डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर ये हुआ बच्चों सत्ताईस से पैंतीस यानी आठ का चेंज हुआ ओके okay? तो यहाँ पर हम लोग अगर सॉल्व करें तो फाइनली वी विल गेट आर आंसर तो ये आएगा चार और ये आएगा ट्वेंटी तो ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है बच्चों आंसर ओके सिक्स सिक्स वन ओके सो वन सिक्स सिक्स जूल और क्योंकि uh, में रूप से संपीडित किया जाता है ओके 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 ये तो हुआ इसका मैग्निट्यूड अब देखो बच्चों यहां पर ये वैल्यू माइनस में आएगी या प्लस में आएगी देखो बच्चों रुदोष में मतलब डेल्टा क्यू का वैल्यू तो आ रहा है जीरो तो डेल्टा यू बराबर आएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू आएगा तो क्योंकि पीड़ित किया जा रहा है इट मीनस कार्य माइनस में आएगा और माइनस माइनस प्लस इट मीन डेल्टा यू पॉजिटिव ही आएगा ओके सो फ्रॉम वी कैन से दैट पॉजिटिव जूल विल बी आंसर ओके सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर फोर्टी फोर क्वेश्चन और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि सम्धावी प्रसार प्रक्रम में जब किसी गैस को ऊषमा दी जाती है तो अब यहां पर हमको कहा गया है सम्धावी प्रसार तो पी वी बराबर एनआरटी है P कांस्टेंट कर दिया V बढ़ रहा है T बढ़ेगा इट मींस आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी बिल्कुल बढ़ेगी गैस द्वारा कार्य होगा बिल्कुल होगा क्योंकि आयतन बढ़ रहा है इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो तीसरा ऑप्शन इट हमारा आंसर होगा बोथ वन एंड टू ओके थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर फोर्टी फाइव और इसके अंदर आपसे कहा गया है टू <laughs> के जी जल को वायुमंडलीय दाब पर उबालकर भाप के अंदर चेंज किया और जल का आयतन जो था वो हमने यहाँ से यहाँ तक चेंज किया तो किया गया कार्य ज्ञात करना है तो बच्चों हमको पता है कि यहाँ पर हम लोग एक वायु मंडलीय धाब की बात कर रहे हैं इट मींस दाब को कॉन्सेंट रख कर प्रोसेस कर रहे हैं तो समदाबीय है, प्रक्रम में किया गया कार्य पी डेल्टा वी होगा बच्चों पी का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली टेन डेज टू फाइव ले लिया और आयतन में चेंज आयतन में चेंज ध्यान से समझिएगा बच्चों तीन पॉइंट तीन चार माइनस ये आएगा बच्चों जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू ओके तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको अप्रोक्सीमेशन में जो आंसर मैच कर रहा है वो आएगा या तो फर्स्ट या फोर्थ ओके थ्री थ्री एट के आसपास और आ, क्योंकि हम लोग अगर इसका वैल्यू वन पॉइंट जीरो वन थ्री लें तो उस केस में आपको यहां पर थ्री थ्री एट के आसपास पहुंच जाओगे आप लेकिन यहां पर हम लोग देख पा रहे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है वॉल्यूम यहां पर पहले कम था अब ज्यादा हो चुका है वो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो किया गया कार्य निकाय द्वारा किया गया कार्य होगा धनात्मक हो तो right answer, बढ़ते हैं। अगले सवाल की गैस के 300 एल आयतन को 27 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया तो इसका अंतिम आयतन कितना होगा बच्चों दाब यहाँ पर टी वन अपॉन टी टू आ जाएगा तो वी वन क्या था पहले 300 तीन सौ एम एल हमें चाहिए ठीक है t1 टीवन था बच्चों तीन सौ उस, उसके बाद हो गया है सात ओके यानी दो अस्सी हो गया ठीक है तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 300 दे, तीन सौ तीन सौ कैंसिल यानी v2 का वैल्यू आ रहा है दो अस्सी ओके सो दो ml अस्सी एम एल इट मीन थर्ड ऑप्शन विल बी राइट right आंसर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर 47 और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि एक रेफ्रिजरेटर है और इसके तापमान की वैल्यू दी गई है चार से लेकर तीस डिग्री के बीच ये कार्य कर रहा है तो हमको पता है कि ये होंगे टी और टी ओके प्रशिक्षण किए जा, जाने वाले स्थान का तापमान नियत रखने के लिए छः कैलोरी ऊष्मा को बाहर निकाला जा रहा है तो ये Q2, है बच्चों क्यू और प्रति सेकेंड की बात करें तो ये क्यू टू अपॉन टी दिया गया है तो इसके लिए आवश्यक शक्ति चाहिए तो बच्चों शक्ति कार्य क्या होता है बच्चों क्यू वन माइनस क्यू टू शक्ति चाहिए तो डिवाइडेड बाई टाइम कर दीजिए यह आएगी शक्ति ठीक है ना पावर अब आपको यहाँ पर क्यू टू अपॉन टू टी का वैल्यू दिया गया है छ सौ और क्यू वन अपॉन टी का वैल्यू ले आएंगे हम लोग ये आएगा छ सौ ठीक है अब देखो बच्चों टी वन अपॉन टी टू बराबर क्या होता है क्यू वन अपॉन क्यू टू दैट वी नो आदर्श रेफ्रिजरेटर के लिए तो T1 का वैल्यू यहाँ पर कितना बच्चों दो सौ तिहत्तर प्लस तीस यानी तीन सौ तीन आ जाएगा ये और ये आएगा दो सौ तिहत्तर प्लस चार यानी दो सौ सतहत्तर आ जाएगा और यहाँ पर आपको प्राप्त होगा अगर हम लोग इसको अपॉन टी भी लिख दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि ये हमको रेट मिल जाएगी ठीक है तो Q1 वन अपॉन टी का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा Q2 टो अपॉन टी का वैल्यू है हमारे पास 600 दिया हुआ है ओके okay, तो आपको यहाँ पर क्यू वन अपॉन टी का वैल्यू मिल जाएगा कैलकुलेशन इज देयर ओके कैलकुलेशन है यहाँ पे तो यहाँ पे जब आप लोग इसको वैल्यू रखोगे तो इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों छ सौ छप्पन के आसपास ठीक है यानी क्यू वन अपॉन टी का वैल्यू आएगा छ सौ छप्पन और छ सौ छप्पन में से माइनस करना है 600 सौ को यानी लगभग छप्पन कैलोरी प्रति सेकंड ये तो आ रहा है ठीक है ना लेकिन हमको यहाँ पर जूल में सॉरी वाट में आंसर चाहिए एट मीन हमें यहाँ पर कैलोरी को चेंज करना पड़ेगा जूल में सो फिफ्टी सिक्स इंटू फोर पॉइंट टू से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेशन में हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं कि आंसर आपको प्राप्त होगा अगर इसको हम लोग चार मान ले तो बीस ठीक है ठीक है तो ये आएगा बच्चों अप्रॉक्सीमेशन में 200 के आसपास ठीक है तो 216

तो यहां पर आ गया जीरो मतलब टी टू का वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो केल्विन ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर अगला सवाल 49. और इस इसमें आपसे कहा गया है कि कार्नो इंजन में पहले एक, एक परमाणु गैस उसके बाद द्वि परमाणु गैस का उपयोग किया गया हमको बताया कि कार्नो इंजन में दक्षता जो है वो कार्यकारी पदार्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करती इट विल नॉट डिपेंड ऑन द वर्किंग सब्सटेंस ओके यदि स्रोत और सिंह का तापमान चार सौ ग्यारह और उनसठ डिग्री सेल्सियस तो और प्रत्येक चक्र में एक हजार झूल ऊष्मा अवशोषित होती हो तो पी वक्र का क्षेत्रफल होगा इट मीन्स हमें यहाँ पर कार्य का मान ज्ञात करना है कार्य होगा बच्चों क्यू वन माइनस क्यू टू और ऊष्मा जो अवशोषित कर रहा है वो है वन थाउजेंड ठीक है और क्यू टू देखते हैं अभी तो हम लोग यहाँ पर क्यू टू का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्यों क्योंकि हमको पता है कि टी वन अपॉन टी टू होता है क्यू वन अपॉन Q2 तो यहाँ से आपको Q2 का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों T1 का वैल्यू यहाँ पर 411 सौ ग्यारह प्लस दो ओके तो यहाँ पर कैलकुलेशन है दो सौ तिहत्तर प्लस चार सौ ग्यारह बटा दो सौ तिहत्तर प्लस सिक्सटी नाइन दो सौ तिहत्तर प्लस सिक्सटी नाइन ओके और टी टू सॉरी क्यू टू हमें चाहिए ठीक है क्यू टू को यहाँ ले आए आ, इसको मैं पहले लिख देता हूँ क्यू वन अपॉन क्यू टू की फॉर्म में ठीक है तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर बच्चों ये लगभग दो बार इससे कैंसिल होगा क्यों क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ मुझे थोड़ थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देख रहा है कि भैया ये, ये आएगा फोर ये आ, एट आ जाएगा और ये सिक्स आ जाएगा और ये आएगा बच्चों टू ठीक है और ये आएगा बच्चों फोर और ये आएगा बच्चों थ्री ठीक है तो यहाँ से मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि ये दो बार इससे कैंसिल हो रहा है ओके okay, तो Q2 का वैल्यू यहाँ पर आएगा बच्चों Q1 वन अपॉइंट टू इट मीन्स पाँच जूल ओके okay? तो Q1 वन सॉरी क्यूटो का वैल्यू मुझे यहाँ से प्राप्त हो चुका है 500 तो 1000 में से गया 500 सौ इट मीन्स पाँच जूल आपको कार्य प्राप्त होगा विच विल बी एरिया ऑफ दैट पी वी ओके पी वक्र का क्षेत्रफल होगा पाँच जूल ओके सो थर्ड ऑप्शन विल भी राइट आंसर बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है पचासवा और इसमें आपसे कहा गया है कि एक रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणा यानी इसका कॉपिशियट ऑफ आप परफॉर्मेंस आपको दिया गया है जो कि होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इट मीन्स क्यू टू अपॉन डब्ल्यू होगा ठीक है ना इसका वैल्यू है फाइव और आपको कहा गया है कि यदि फ्रीज़र का इनसाइड का टेम्परेचर है माइनस ट्वेंटी इट मीनस आपको यहाँ पर टी टू का वैल्यू दिया गया 273 टू सेवेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी दैट इज टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री कैलविन ओके तो आपको आउटसाइड का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है मतलब टी वन का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो हम लोग देख सकते हैं कि टी वन ये आएगा बच्चों टी टू और क्यू वन अपॉन क्यू टू ठीक है तो टी टू का वैल्यू है हमारे पास क्यू वन अपॉन क्यू टू अगर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा तो क्यू टू इसको लिख दिया फाइव डब्ल्यू होता है बच्चों क्यू वन माइनस क्यू टू ओके तो ये क्यू टू ये आए ये आएगा बच्चों सिक्स क्यू टू बराबर फाइव क्यू वन ओके तो यहाँ से आपको क्यू वन अपन क्यू टू का वैल्यू मिल रहा है क्या क्या आएगा बेटा सिक्स अपन फाइव आ जाएगा ओके सिक्स अपन फाइव तो सिक्स एवन फाइव यहाँ पर हम लोग रख देंगे तो ये होता है बच्चों वन पॉइंट टू okay? ओके hmm, ठीक है टी टू का वैल्यू टू फिफ्टी थ्री और 1.2 किया 1.2 टाइम्स ठीक है तो 1.2 टाइम्स किया तो ये आपको कैलकुलेशन करके आपको या ठीक है ओके ठीक है बच्चों ये आपको लगभग में प्राप्त होगा बच्चों तीन सौ तीन पॉइंट तीन सौ तीन पॉइंट है कैलविन के आसपास इट मीन जो कि हम लोग देख पा रहे हैं अगर इसको हम लोग सेल्सियस में चेंज करें तो ये आएगा बच्चो आ, ये आएगा लगभग इकतीस डिग्री सेल्सियस के आसपास तीन सौ तीन में से गया दो सौ तिहत्तर यानी तीस तीस के आसपास यानी बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन ओके तो थर्टी वन डिग्री सेल्सियस दैट विल बी आवर आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर ओके okay बच्चों और इस वाले प्रश्न में आपसे कहा गया कि अगर T1 और T2 तापमान के बीच में कार्य करने वाले एक आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता है ईटा तो अगर स्रोत और सिंह के तापमान को डबल कर दिया जाए तो नई एफिशिएंसी का वैल्यू कितना होगा तो बच्चों हमको पता है कि ये होता है वन माइनस टू टू पॉइंट टी वन ओके तो अगर हम लोग इसको डबल कर दें टेम्परेचर को तो टू से टू वापस कैंसिल इट मीन्स एफिशियंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ईटा ही आएगा सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट right आंसर इसके बाद आता है बच्चों फिफ्टी टू और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि मोनो आटोमिक गैस इज सप्लाइड ए द हीट क्यू वेरी स्लोली कीपिंग द प्रेशर कॉन्स्टेंट ठीक है द वन बाय द गैस विल बी ओके इट मीन्स हम लोग यहाँ पर बात करें समावीय प्रक्रम की क्योंकि दाब को यहाँ पर नियत किया गया है अब देखो बच्चों तो गैस द्वारा किया गया कार्य कार्य होगा ऊष्मा का मान दिया गया है कार्य का मान ज्ञात करना है तो हमको पता है कि क्यू बराबर यू प्लस डब्ल्यू होता है ओके okay, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे और ठीक है हम लोग अब देखिए बच्चों इस इस प्रकार के प्रश्नों को आपको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ डायरेक्ट आप लोग स्टार्ट करो गामा से ये होता है सी पी अपॉन सी अगर मैं इसको एन डेल्टा टी से ऊपर नीचे कर दूँ मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा इस प्रक्रम में दी गई ऊष्मा और ये है डेल्टा यू ओके और गामा का वैल्यू यहाँ पर डाई ओके मोनो एटोमिक के लिए गामा होता है बच्चों कितना आ, पाँच बेटा तीन ओके फाइव अपॉन थ्री होता है और डेल्टा क्यू एज इट इज रख दो और किया गया कार्य ठीक है तो डेल्टा यू होता है डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू ओके तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि आपको प्राप्त होगा फाइव डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू बराबर थ्री डेल्टा क्यू आ जाएगा ठीक है तो पाँच पाँच में से तीन गया यानी दो टू डेल्टा क्यू आ जाएगा और ये आएगा फाइव डब्ल्यू इसको ले जाओ उधर फाइव डब्ल्यू डब्ल्यू का वैल्यू ये आ रहा है टू अपॉइंट फाइव डेल्टा क्यू ठीक है डेल्टा क्यू का वैल्यू दिया गया क्यू इट मीनस इट विल बी टू अपॉइंट फाइव क्यू सो टू अपॉइंट फाइव क्यू इट मीन थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और ये हमारा फिफ्टी थ्री क्वेश्चन और इसके अंदर आपसे कहा गया कि एक परमाण्विक आदर्श गैस के आधे मोल को 1 एटीएम के नियत दाब पर 20 से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इस गैस द्वारा किए गए कार्य का सन्निकट मान होगा तो बच्चों यहां पर हम लोग <coughs> यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ओके ठीक है तो टेम्परेचर का यहां पर चेंज हुआ है और प्रेशर कांस्टेंट है ओके इट मींस वी कैन यूज हियर पी डेल्टा बी एन आर डेल्टा टी का यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं एन का वैल्यू कितना है मोल का वैल्यू T, T आएगा सेवेंटी डिग्री ओके तो इसको हम लोग सॉल्व करके फाइनली अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे इट मीन एटी थ्री पॉइंट वन इंटू सेवन आ जाएगा ये तो अप्रोक्सीमेशन में ये आएगा वन वन ठीक है ना फाइव एटी वन जोल बिल्कुल सही थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है बढ़ते हैं आगे फिफ्टी फोर की और इसके अंदर आपसे कहा गया है फिफ्टी फोर में आपसे कहा गया है कि कमरे के तापमान पर एक दृढ़ द्विप्रमाणुविक आदर्श गैस के एक रुद्रषम प्रक्रम से गुजरते इस प्रक्रम के लिए तापमान और आयतन के बीच टी की पावर एक्स नियतांक संबंध है तो यहाँ पर एक्स का मान होगा तो बच्चों हमको बताया कि टी की पावर गामा माइनस ये होता है कॉन्स्टेंट और ये दिया गया है टी की पावर एक्स ठीक है तो टी सी टी यहां पर कैंसिल हो जाएगा वी की पावर गामा माइनस वन तो हमको पता है कि डाई एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू होता है सात बटे पांच माइनस वन और ये वी की पावर एक्स तो यहां पर आएगा वी की पावर टू अपॉन फाइव और ये वी की पावर एक्स तो एक्स का वैल्यू टू अपॉन फाइव इट मीनस सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर उसके बाद आता बच्चों 55 क्वेश्चन और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि फिगर शो इज दू टू प्रोसेस ए एंड बी फॉर फॉर एस इफ डेल्टा क्यू एंड डेल्टा क्यू बी आर द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ड बाई दिस्टम इन टू केसेस एंड डेल्टा यू एंड डेल्टा यू बी आर देंजेज इज इंटरनल एनर्जी रेस्पेक्टिवली तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा तो क्योंकि हमको बताएगी स्टार्टिंग और फाइनल स्टेट जो है वो दोनों ही प्रोसेस के लिए अलग अलग सेम है ठीक है तो हम कहेंगे कि जितना डेल्टा यू ए का होगा उतना ही डेल्टा यू बी का भी होगा ओके इट मीन्स ऑप्शन वन और टू में से एक आंसर हो सकता है अब देखते हैं कि वर्गन किसका ज़्यादा है जिसका वर्गन ज़्यादा होगा उसके लिए हीट भी ज़्यादा होगी जाहिर सी बात है तो ऊपर वाले पार्ट का जो एरिया है वो ज़्यादा है तो वर्गन ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगी इट मीन्स क्यू ए विल बी ग्रेटर देन क्यू बी फ्रॉम ईयर वी कैन से दैट सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर फिफ्टी और इसमें आपसे कहा गया है कि ये डाई अटोमिक गैस विद द रिजिड मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल 10 जूल ऑफ वर्क व्हेन एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर ठीक है व्हाट वुड बी द हीट एनर्जी एबजॉर्व बाय द गैस इन दिस प्रोसेस तो कितनी हीट एब्जोर्व होगी तो बिल्कुल ये भी वैसा ही प्रश्न है जो कि हमने अभी अभी सॉल्व किया था गामा होता है बच्चों सी ए पी अपन सी बी इसको एन डेल्टा टी से अगर मल्टीप्लाई कर दू तो मुझे मिल जाएगा ये आएगा डेल्टा क्यू ये आएगा डेल्टा यू क्यों आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात करें कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए कांस्टेंट प्रेशर के लिए ओके okay, तो यहां से डेल्टा क्यू डेल्टा यू ओके और मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू आ जाएगा और ये आएगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू लिख सकता हूँ इसको गामा का वैल्यू डाई एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू होता है सेवन वन फाइव ओके सात बटे पाँच होता है ना तो यहाँ से अवशोषित ऊष्मा चाहिए W का वैल्यू दिया गया दस जूल तो ये आएगा डेल्टा Q डेल्टा Q माइनस टेन बराबर सात बटे पाँच इसको सॉल्व कर लेता हैं तो ये आ रहा है फाइव क्यू डायरेक्ट मैं इसको Q की फॉर्म में लिख रहा हूँ ठीक है ना ये आएगा सेवन क्यू माइनस सेवनटी आ जाएगा तो यहाँ से आएगा टू क्यू बराबर सेवेंटी यानी क्यू का वैल्यू आ गया थर्टी फाइव ओके थर्टी फाइव जूल इट मीन फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर सत्तावनवा प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है इसमें आपसे कहा गया है कि एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट ए टू तो स्टेट बी ये है इनके पास प्रोसेस वन टू थ्री और यहाँ पर आपसे कहा गया है क्यू वन क्यू टू थ्री द हीट एब्जर्व बाय द गैस

डेल्टा यू का वैल्यू सेम रहेगा तो बच्चे यहाँ पर हमको दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में ही ऐसा आ रहा है और साथ ही साथ क्योंकि वर्गडन ऊपर वाले के लिए सबसे ज्यादा होगा फिर इसके लिए कम इसके लिए और कम इट मीन्स हीट भी सबसे ज्यादा होगी फिर उससे कम होगी फिर उससे कम होगी इट मीन ऑप्शन नंबर वन विल बी राइट आंसर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अठावनवा प्रश्न दिया गया और इसमें आपसे कहा गया है आ, पी वी डायग्राम ऑफ ऑफिस सिस्टम अंडर गोइंग थर्मोडाइनमिक ओके ओके ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर वर्गडन फ्रॉम ए बी सी थर्टी जूल एंड फोर्टी जूल हीट इज गिवन टू द सिस्टम ठीक है सिंपल सा प्रश्न है यहाँ पर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हमें चाहिए इंटरनल एनर्जी का चेंज तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू करना है यानी चालीस में से तीस गया यानी दस ओके सो दस जूल फर्स्ट ऑप्शन विल भी राइट आंसर उसके बाद आता है फिफ्टी नाइन क्वेश्चन और फिफ्टी नाइन में आपसे कहा गया है 59 में आपसे कहा गया है कि निकाय के द्वारा किया गया कार्य होगा ये प्रोसेस है ए बी सी डी ए पर साफ तौर तो पर दिख रहा है ए बी सी डी ए ये वाला प्रोसेस है क्लॉक वाइज ये वाला प्रोसेस है, एंटी क्लॉक वाइज और दोनों का यहाँ पर एरिया जो है वो सेम आ रहा है ओके साइक्लिक प्रोसेस का ए, एरिया सेम एक नेगेटिव आएगा और दूसरा पॉजिटिव तो नेट वर्गडन क्या होगा बाई द सिस्टम दैट विल बी जीरो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर साठवां प्रश्न और इसके अंदर ये हमारा आखिरी प्रश्न और इसमें आपसे कहा गया है कि नीचे दिए गए पीवी डायग्राम के अंदर आपको बताना है कि इफ इट इज मोनो अटोमिक आइडियल गैस देन अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स इन ए सिंगल साइकिल इज अब देखो बच्चों यहाँ पर स्रोत से ली गई ऊष्मा की बात कर रहे हैं स्रोत से ऊष्मा ली भी जा रही है और स्रोत को ऊष्मा दी भी जा रही है जो कि हम लोग यहाँ या, या, पर साफ तौर पर देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊष्मा ली है यहाँ पर भी ऊष्मा ली है क्योंकि यहाँ पर आयतन भी बढ़ रहा है दाब भी बढ़ रहा है यहाँ से ऊष्मा बाहर गई है तो हमें सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करनी है ओके कि कितनी टोटल ऊष्मा ली गई है तो अब देखो बच्चों यहाँ पर प्रोसेस है वॉल्यूम है यहाँ पर कॉन्स्टेंट और यहाँ पर है प्रेशर कॉन्स्टेंट तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट तो हीट होता है एन सी डेल्टा टी और प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो यहाँ आएगा एन सी डेल्टा टी ये आएगा बच्चों हमारा टोटल हीट का वैल्यू जो कि सिस्टम ने ली है ओके okay? अब देखो बच्चों एन यहाँ पर टेम्परेचर का प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ पर पी नॉट वी नॉट बराबर एन आर टी नॉट का यूज़ कर लेते हैं तो P नॉट V नॉट मतलब यहाँ पर अगर टेम्परेचर ले T नॉट तो यहाँ पर होगा बच्चों टू टी नॉट क्योंकि प्रेशर डबल हुआ है मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर होगा टू पी नॉट और टू वी नॉट मतलब यहाँ पर होगा बच्चों फोर टी नॉट और यहाँ पर टेम्परेचर होगा टू टी नॉट ओके क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम डबल हो चुका है प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ है पी नॉट ही है तो यहाँ पर यहाँ से तो लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है एन सी वी का वैल्यू डाई एटोमिक के लिए सॉरी मोनो के लिए थ्री बाई टू आर ठीक है डेल्टा टी की बात करें तो टू टी नॉट माइनस टी नॉट मतलब टी नॉट आ जाएगा एन एज इट इज सी का वैल्यू फाइव बाई टू आर ठीक है फाइव बाई टू आर और डेल्टा टी डेल्टा टी की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी टू टी नॉट आ जाएगा ठीक है तो ये रहा है बच्चों फाइव टू जै टेन टेन प्लस थ्री यानी थर्टीन आ जाएगा थर्टीन बाई टू एन आर टी नॉट और एन आर टी नॉट को हम लोग क्या लिख सकता है पी नो पी नॉट वी नॉट सो थर्टीन बाई टू पी नॉट वी नॉट ओके इट मीन ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर ओके बच्चों तो ये था आपका डी टेस्ट सीरीज फॉर नीट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन का पेपर नंबर बाईस और ये था इसका सॉल्यूशन तो ठीक है बच्चों आई होप यू गॉट इट चलिए ठीक है मिलते हैं फिर तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत कीजिए प्रैक्टिस कीजिए सो so, टेक केयर जय सी एल बाय बाय